देश के मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछने में जुटी हुई है। इसी के साथ ही कांग्रेस का ध्यान चुनाव की तरफ भी है। जी हां, अगर देखा जाए तो हाल ही में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उसे देखते हुए कांग्रेस ने बहुत बड़ा सबक लिया है और आगे आने वाले चुनाव पर पूरा फोकस कर रही है। सबसे बड़ी बात तो है कि अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव के अलावा अन्य कई राज्यों में भी चुनाव है और सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का जो कि साल 2024 में होने वाला है। इसको लेकर भी कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। आपको बता दें कि एक और जहां कांग्रेस सरकार को घेर रही है तो वहीं दूसरी तरफ जनता के साथ ताल से ताल मिलाती हुई नजर भी आ रही है ताकि जनता का समर्थन भी मिलता रहे और चुनाव की तैयारियां भी होती रहे। सबसे बड़ी बात तो यह कि जिस तरह से साल 2014 के बाद से देश की स्थिति खराब हुई है, अर्थव्यवस्था को झटका लगा है, बेरोजगारी बढ़ी है और आत्मनिर्भर भारत के नाम पर और कई योजनाओं के नाम पर सरकार ने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है, उससे जनता और नाराज है और जनता बदलाव करने के मूड में है और फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।